आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थर्ड चैप्टर है। अगर आपकी फोर्थ चैप्टर में से कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए हो, कोई समझ नहीं आया हो, कोई पॉइंट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किससे प्रोड्यूस होगी? केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाने की जो स्टडी है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसमें दो पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। केमिकल एनर्जी कम्स फ्रॉम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस मीन्स आपको लास्ट ईयर आपने पढ़ा था, मीन्स जो रिएक्शंस अपने आप से होती हैं, ठीक है, या हल्का सा उनको आपने कुछ स्टार्ट किया, कुछ इनिशिएशन दिया, ठीक है, और वो उसके बाद कंटिन्यू चलती चली जाती है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस एग्जाम्पल बताती हूँ, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का नहीं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का बताती हूँ। जैसे कि एक कागज है, उसको आपने हल्की सी तीली, जलती हुई तीली पास ले गए तो कागज जलता है और जलता ही चला जाता है जब तक वो पूरा खत्म नहीं हो जाता, है ना। तो वो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात बताती हूँ, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल ज़्यादा गर्मी अगर हो जाए ना, तो कहते हैं ना, कई बार आपने सुना भी होगा कि ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी तो कई बार जो टैंक में आग लग जाती है, स्कूटर के टैंक में या गाड़ी के टैंक में, हीट से, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। केमिकल एनर्जी कम्स फ्रॉम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। जो इसमें हम केमिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं वो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं हम। और सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज जनरेटेड। जो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी ना, उसको हम यूज़ कर सकते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस करवाने के लिए। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है, उसकी केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई उससे हम नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस करवा सकते हैं, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस अपने आप से नहीं होती है, उनको करवाना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। एग्जांपल लेती हूँ मैं, इफ़ी मतलब कि कहाँ पर यूज़ होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वी यूज़ बैटरी इन आर होम्स हाउसेज इन वेरियस डिवाइसेज। हम अपने घर में बैटरी यूज़ करते हैं, सेल यूज़ करते हैं या बैटरी यूज़ करते हैं, कई चीज़ों में यूज़ करते हैं, कई डिवाइसेज में यूज़ करते हैं, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं हम उन डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो आपने एक खिलौना है जो कि सेल से चलता है, ठीक है, तो अब जब आपने सेल नहीं लगाया ना तो वो खिलौना चलता नहीं है, तो वो नहीं चल रहा, उसको हम डिवाइस मान लेते हैं खिलौने को, तो वो खिलौना जो है वो बिना सेल के नहीं चल रहा, लेकिन जब हमने सेल लगा दी उसके अंदर, तो सेल के अंदर केमिकल्स भरे हुए होते हैं, उनकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस खिलौने को जिसका चलना नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, उसको वो चला देता है, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं जैसे बैटरी से चलने वाली घड़ी है, सेल लगाते हैं ना उसमें, ठीक है, दीवार घड़ी जो होती है, तो घड़ी अपने आप से नहीं चलती है जब तक सेल नहीं लगाया है, लेकिन जब हम सेल लगाते हैं सेल के अंदर की केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि घड़ी का चलना जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस था उसको वो स्पॉन्टेनियस बना देता है, ठीक है। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ होता है उस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को स्टार्ट करने में, ठीक है। और हमारी बॉडी में भी यूज़ होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इन आर बॉडी टू हमारी बॉडी में भी नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड। नर्व इम्पल्स क्या होता है? तंत्रिका आवेग। कि जैसे आपको किसी ने चूंटी काटी हाथ पर तो आपके ब्रेन को पता चल जाता है, तो वो कैसे गया वहां से? तंत्रिका आवेग से। आपने 9th में पढ़ा था ना इसको, 10th में भी पढ़ा था, ठीक है, कि वो जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास मैसेज पहुंचाती हैं, और वो ऐसे करते करते ब्रेन के पास या मेरे रज्जू के पास पहुंच जाता है, ठीक है। वो तंत्रिका आवेग था, यानी कि नर्व इम्पल्स। इन आर बॉडी टू नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर बाय कॉन्टैक्ट बिटवीन नर्व सेल्स। नर्व सेल्स यानी कि तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में कॉन्टैक्ट होता है, और नर्व इम्पल्स जो है वो एक हिस्से से बॉडी के दूसरे हिस्से में पहुंच जाती है। एंड दिस इज डन बाय सिनेप्स। This is done at synapse by electrochemical signals. Synapse मतलब जहाँ पर दो तंत्रिका कोशिकाएं मिलती हैं। याद है आपको क्वेश्चन भी आता था इसके ऊपर 4 marks का, ठीक है, तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाना, और 4 marks का कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य सिनेप्स में क्या होता है उसकी व्याख्या करें, ठीक है। This is done at synapse। जो synapse मतलब जो दो कोशिकाओं के बीच में, जैसे ये कोशिका है उसके ये एक्सोन है और दूसरी तंत्रिका कोशिका क्या, या ये डेंड्राइट है, ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में जो सिनेप्स बनता है ना
वहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल ही जाते हैं। इससे इसके पास मैसेज आकर इसने इसको देना है, तो इलेक्ट्रो यहाँ पर कोई केमिकल सिक्रीट होता है, उस केमिकल एनर्जी जो केमिकल एनर्जी है उसकी, वो इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अगले वाले में ट्रांसफ़र कर देती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ये सिंपली आपको बताने के लिए था कि कहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज़ होती है, और भी बहुत सारी जगह हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सबसे जो सही एग्जांपल जो हम पढ़ते हैं ज़्यादा, वो है डैनियल सेल। ठीक है, जो हमने 11th में भी हमने रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में किया था, ये लास्ट में ही था थोड़ा सा इसके बारे में, लेकिन अब हम डिटेल में करेंगे। डैनियल सेल में ये रिएक्शन होती है, कॉपर आयंस प्लस जिंक गिव्स जिंक आयन प्लस कॉपर, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर का रिडक्शन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन ही होती है इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। दिस केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ये जब केमिकल रिएक्शन होती है तो इसकी केमिकल एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसकी वोल्टेज होती है 1.1 वोल्ट। ठीक है, और कब ये 1.1 वोल्ट की होगी, जब जिंक और कॉपर दोनों की कंसंट्रेशन हमने 1 मोलर ली है, 1 मोलैरिटी 1 मोल पर लीटर ली है हमने। ठीक है, 1 mm। ठीक है, दिस केमिकल रिएक्शन जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट ओनली व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक एंड कॉपर आयंस इज 1 मोलर। ठीक है, सच इज डिवाइस विद कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक आयंस की वैल्यू अगर 1 mm है, इट इज कॉल्ड गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। इसको गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने ये इसका डायग्राम बनाया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाई है ये। अच्छा, इनमें फ़र्क क्या है गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल और डैनियल सेल में, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ये एक सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो कि डैनियल सेल है। ये डैनियल सेल का डैनियल सेल भी कहेंगे इसको, ठीक है, और गैल्वेनिक सेल भी कहेंगे। ठीक है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आगे आपको। तो इसमें 2 बीकर हैं, इस बीकर में हमने जिंक आयन का सोल्यूशन लिया, जिंक आयन का सोल्यूशन जिंक टॉप पॉजिटिव आयन का, यानी कि जिंक सल्फेट भी ले सकते हैं, जिंक नाइट्रेट भी ले सकते हैं, कोई और भी ले सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने जिंक रोड डिप की, और दूसरे बीकर में हमने कॉपर आयन सोल्यूशन लिया और उसमें हमने कॉपर रोड डिप की। इनको हमने एक तार से जोड़ दिया, और तार से जोड़ा तो मैंने इसके अंदर ना गैल्वेनोमीटर नहीं लगाया, आप गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हो। फिर हमने ये तो हमने बाहर से रोड को जोड़ा, अब जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को, इन सॉल्यूशंस को, जो ये सॉल्यूशंस है ना, इन सॉल्यूशंस को हम इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं, या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। ठीक है, इनको हमने जोड़ दिया किससे, साल्ट ब्रिज से। ठीक है, ये आपने 11th में किया था। लेकिन अगर कंसंट्रेशन इन दोनों की कम हो जाती है ना सॉल्यूशन की 1 mm से, तो जो वोल्टेज आ रही है ना इससे, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, वो 1.1 से कम हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिकम्स लेस देन 1.1 वोल्ट इफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ कॉपर और जिंक आयन डिक्रीजेस। ठीक है, अब मैं एक और पिक्चर बनाती हूँ, एक और डायग्राम बनाया है मैंने, सेम है बिल्कुल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, देखो आप, थोड़ा ऊपर बना दिया था, एक तो मैंने यही बनाया, गैल्वेनोमीटर भी लगा दिया यहाँ मैंने, यहाँ नहीं लगाया था। अच्छा, ये समझा देती हूँ आपको कि इलेक्ट्रॉन जो है, आपने यहाँ पर रिएक्शन में देखा कि जिंक जो है वो उसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, और इलेक्ट्रॉन्स किसको देता है, वो कॉपर को। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से जाएंगे जिंक से कॉपर रोड की तरफ। तो ये भी आपको मैंने 11th में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में जाते हैं ना करंट, उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ये एक कन्वेंशन है, ये हमने मतलब माना गया है ये कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं करंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। अगर आप देख रहे हो ना कि करंट इधर जा रहा है, आपने गैल्वेनोमीटर लगाया, गैल्वेनोमीटर की सुई ऐसे है। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ, थोड़ा टेढ़ा ज़्यादा बनाना तो आप समझ लो कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको नहीं पता कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो आप गैल्वेनोमीटर लगा दो, गैल्वेनोमीटर जिस तरफ डायरेक्शन दिखाएगा उससे अपोजिट में आप सोच लो कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा ऑक्सीडेशन किस में, रिडक्शन किस में है। अगर मान लो ये गैल्वेनोमीटर का जो डायरेक्शन है वो इधर दिखा रखी होती, तो इसका मतलब करंट इधर से इधर जा रहा है, मींस इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ रिडक्शन हो रहा है, लेकिन होता ये है। ठीक है, होता एक्चुअल में ये है कि जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, कॉपर का रिडक्शन होता है। अच्छा, इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने एक बैटरी और लगा दी। बैटरी मतलब हम इसको कहेंगे, बैटरी को हम कहते हैं एक्सटर्नल पोटेंशियल, क्योंकि इसकी भी वोल्टेज है, ये है एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल।
ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल लगा दिया, वी हैव अप्लाइड एक्सटर्नल अपोजिट वोल्टेज या पोटेंशियल इन दिस डिवाइस, तो ये जो है ना इसके अगेंस्ट काम करेगी। अगर इसकी जो वोल्टेज है आपने 1.1 वोल्ट से, क्योंकि हमारी जो डैनियल सेल है वो 1.1 वोल्ट इलेक्ट्रिकल वोल्टेज प्रोड्यूस कर रही है, अगर आपने जो वोल्टेज एक्सटर्नल वोल्टेज दी है वो 1.1 वोल्ट से कम है, ठीक है, अपोजिंग है ये, अगर ये 1.1 वोल्ट से कम है तो ये सेल अपना नॉर्मल काम करती रहेगी, हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, हमारी डैनियल सेल है, वो नॉर्मल काम करती रहेगी, उसमें वही रिएक्शन चलती रहेगी और 1.1 वोल्ट वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती रहेगी। लेकिन हमने जो वोल्टेज है ना एक्सटर्नल वोल्टेज उसको बढ़ाकर 1.1 वोल्ट कर दिया, इक्वल कर दिया इसके, तो दोनों अपोजिट हैं तो दोनों बराबर हो गई, अपोजिंग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और रिएक्शन जो है वो रुक जाएगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी अब, ना तो इधर से यहाँ ऑक्सीडेशन होगी और ना यहाँ पर रिएक्शन होगी। थर्ड मैंने क्या किया कि मैंने अब जो है ना इसको 1.1 वोल्ट से भी ज़्यादा कर दिया तो रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि अब करंट फ्लो करेगा, आपको यहाँ पर ये दिखाएगा करंट फ्लो करता हुआ, वो डायरेक्शन ये वाली होगी, कॉपर से जिंक, सॉरी इस तरफ होगी, ठीक है, अगर हमने बढ़ा दिया तो, यानी कि अब जो है इलेक्ट्रॉन्स कॉपर से जिंक की तरफ फ्लो कर रहे हैं, कॉपर से जिंक की तरफ फ्लो करना यानी कि कॉपर पर ऑक्सीडेशन, इस पर रिडक्शन, अगर ये दोनों को साथ में मिलाया जाए ना तो ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ऐसा कभी भी नहीं होगा नॉर्मल कंडीशंस में कि कॉपर और जिंक को साथ में मिलाया आपने और कॉपर इलेक्ट्रॉन दे रहा है और जिंक ले रहा है, ऐसा कभी नहीं होता, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल वोल्टेज ने क्या किया, उसने रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस को करवा दिया, वो रिएक्शन स्टार्ट हो गई, ठीक है, लेकिन कब स्टार्ट हो गई, जब उस जो वोल्टेज जो हमारी सेल की वोल्टेज थी उससे बढ़ गई, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो ये सेल है ना, अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं रही, अब इसका नाम हो जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू कैरी आउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाई जाने लग गई है तो ये सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ना रहकर इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाती है, ठीक है।